ये फोटो राजस्थान विधानसभा के आगे की है। गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने पर सदन के मुख्य द्वार पर कटारिया के सम्मान में फोटो सेशन हुआ। इस फोटो सेशन में राजस्थान विधानसभा के सभी सदस्यों को बुलाया गया, लेकिन सचिन पायलट के साथ यहां भी एक किस्सा हो गया, जिसके चलते उन्हें अग्रिम पंक्ति की कुर्सियों में बैठने की जगह दूसरी लाइन में विधायकों के साथ खड़ा होना पड़ा। दरअसल हुआ यूं कि जब फोटो सेशन हो रहा था तो अग्रिम पंक्ति में बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई थी। जब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अग्रिम पंक्ति की कुर्सी पर बैठने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि हर कुर्सी पर बैठने वाले मंत्री या नेता का नाम लिखा हुआ था। इस सूची में किसी कुर्सी पर सचिन पायलट का नाम नहीं था। ऐसे में सचिन पायलट पीछे जाकर खड़े हो गए, जिसे भांपते हुए मंत्री रामलाल जाट अपनी कुर्सी से खड़े हुए और सचिन पायलट को आगे आने के लिए मनाने लगे। लेकिन पायलट ने रामलाल जाट को आगे आने से इनकार कर दिया। उन्होंने दूसरी पंक्ति में खड़े होकर ही फोटो खिंचवाई। अग्रिम पंक्ति में बैठने वालों में पायलट कैंप के मंत्री हेमा राम को छोड़ दिया जाए तो बाकी मंत्री बृजेंद्र ओला और मुरारी लाल मीणा भी सचिन पायलट के साथ पीछे ही खड़े रहे। इसी के साथ ट्विटर पर इस फोटो के आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई है और एक बार फिर राजस्थान कांग्रेस में जो कलह चल रहा है वो खुलकर सामने आ गया। सचिन पायलट कैंप के नेताओं ने इस फोटो पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर इस तरह का व्यवहार प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वरिष्ठ और अनुभवी नेता सचिन पायलट जी के साथ होगा तो बेइज्जती उनकी नहीं हुई, इससे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता, बल्कि उस परिपाटी और उन लोगों पर एक धब्बा और लगा जो कथित रूप से अपनी रगड़ाई करवाकर उस कुर्सी तक पहुंचे हैं। बता दें कि राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 200 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की ताल ठोक रहे हैं। राजस्थान में कभी भी कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई, ऐसे में कांग्रेस के दोनों नेताओं की बगावत पार्टी पर भारी पड़ सकती है।